एक और नदी ये सामने नदी देख रहे हो, ये वो नहीं वही नदी है जो आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में इतनी तेज आवाज में देखी थी और अभी ये कोई आवाज नहीं कर रही है। चारों तरफ से बादल घिरते जा रहे हैं, मौसम भी ठंडा हो गया है, हवा भी ठंडी लगने लगी है, बट प्लान में एक छोटा सा चेंज है। वैसे तो हमारा ये लास्ट पॉइंट था, हमने यहीं पे बैठ के लंच वगैरह किया है, खाना वाना खा लिया था, हमें यहीं से वापस जाना था, बट अमित भाई बोल रहे हैं कि वहाँ उस पॉइंट पे एक ग्रेव है, एक कब्र है, मतलब जो जिन्होंने इस वैली ऑफ फ्लावर की खोज करी थी उनकी वाइफ की है, जो उनकी वाइफ थी उनके सिस्टर ने आके उसको यहाँ पे बनवाया था। तो ये बोल रहे हैं कि चलो मेरे को देखना जरूर और मेरे साथ चलो, और इसी वजह मेरा बैग भी खुद ही टांग लिया इन्होंने। तो चलते हैं, जब आए हैं यहाँ तक तो हम इसको कोशिश करेंगे इस डिस्टेंस को जल्दी से कवर करने की और वापस आने की, क्योंकि यहाँ पर भालू जो कि पहाड़ी भाषा में जिसको रिक बोलते हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पे, और अमित भाई को भी इसीलिए अकेले जाना मुझे उनको भी सही नहीं लगा, और फिर मैंने भी ज़्यादा जिद करना सही नहीं समझा, क्योंकि एक से दो बल है और वो दो पे मैक्सिमम टाइम दो पे वो हमला भी नहीं करता है। तो बस हम बस चल रहे हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है, मंजिल का भी नहीं पता है। वैली तो बहुत खूबसूरत है, पैसा वसूल है यार, छोटे छोटे ये घास के मैदान ही है। इस वैली में सिर्फ हम दो बचे हैं, अमित भाई और मैं, और वैली बहुत दूर है, ये लास्ट पॉइंट है, यहीं पे ग्लेशियर भी है, पीछे पीछे जो लोग हैं उनके आने की उम्मीद बहुत कम है। कोई नहीं आ रहा, वो आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं, यहीं देख रहे ना, क्या पता यहीं पे हो कहीं, क्योंकि वो लोग तो यहीं तक आए थे बिल्कुल। यहाँ पे फुट ट्रेल भी इतनी नहीं दिख रही है, बहुत धीम, मतलब देखना पड़ रहा नीचे से, लंबी हो रखी है ना ये, क्या बोलते हैं इसे, क्योंकि गिरी होगी तो यहीं गिरी होगी ना, क्यों गुरु। अमित भाई तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही हूँ, ये बोल रहे हैं कि आसपास देखते हुए चलो, कहीं ये जो बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं इनमें ना दिख जाए, और साइड से नदी बह रही है और हम भी चल रहे हैं बस। मेरे को लग रहा है वहाँ पे है वो बाढ़ कर रखी ना, हाँ तो वो वहाँ पे जो पत्थर है ना वो गोल मतलब गुलाई में लग रहा है वो। अब ये ट्रेल थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है, इस वैली में भी हम ही दो लोग हैं और इस टाइम पे कोई आता भी नहीं है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, हमें वापस जाना था, बट लेट्स सी। हाँ सुबह जब हमने एंट्री करी थी तो जो 2 फॉरेस्ट गार्ड थे उन्होंने भी हमको क्लियर बोला था कि आपको 1:30 पे वापस चलना है, और अभी टाइम क्या हो रहा है,
अभी टाइम बजा है 1:15 हो रहे हैं, तो हमारे पास टाइम भी है। ओके, तो चलते हैं इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए। मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा स्पॉट भी नहीं दिख रहा जहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल सके। मतलब अभी पीछे जो दिखाया था वहाँ पे एरो के साइन बने हुए थे जब हम आए हैं इस ट्रैक को करके। अच्छा। लेकिन यहाँ पे तो कहीं एरो के निशान भी नहीं है। अरे नहीं है, है इतना तो मुझे मालूम ही यहीं पे। तो किधर है, कहाँ ढूंढोगे बताओ? आगे तो इतना भी नहीं है कि हम ग्लेशियर पहुँच जाएंगे। लो तो दोस्त ने कहा था विजिबल है। 12 मिनट और, वी हैव 12 मिनट्स मोर। यहाँ पे बस डर लग रहा है भालू का, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं फुट ट्रेल को फॉलो करने की। अमित भाई ऐसा करते हैं, ये जो फुट ट्रेल बननी है ना ये वाली, इनको फॉलो करते हैं, देखते कहाँ पे जा रही है ये, क्योंकि बहुत लोग हैं इसी तरह से, वो भी उस ग्रेव तक ही गए होंगे। तो ये फुट ट्रेल माने नहीं, मैं तो आगे वाला सोच रहा था। आगे वो पत्थर दिख रहा है, वो ट्राइंगल वाला, वो? हाँ ऊपर चढ़ जाओ। हाँ अरे नहीं, वो पत्थर तक जा रहे हैं फिर वापस चल रहे हैं। कैमरा लगा हुआ आपकी तरफ ही है। मेरे को आज वो दिख गया, नीचे तक तुम्हारा बैग उठा के ले जाऊंगा। नीचे पूरा तुम्हारा बैग ले जाऊंगा, चिंता मत, बस मुझे वो ग्रेव दिखनी चाहिए बस।
गिरी कहीं? रास्ता भी घुमाऊं। गिर रही है कहीं? नहीं है। पकड़ो। आगे रास्ता भी खत्म है, कोई ट्रेल भी नहीं है। भाई बंदा देख के मानेगा आज, उसने देखनी है। क्या करें, चलना पड़ेगा अब साथ। Nothing is here, bro. कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आगे नहीं जाएंगे। और ये उत्तराखंड फॉरेस्ट पुलिस का वर्क देखिए। हम केवल एक घंटे लेट थे, मतलब हमारे पास एक घंटा था, बट उससे पहले ये सर हमारे को ढूंढने के लिए आ गए। हम ये देखो अभी हमको लेके जा रहे हैं अपने साथ। आप ये तारीफ के काबिल है सर। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब जो वैली ऑफ फ्लावर के लिए टिकट वगैरह देते हैं, उन्होंने हमको बोला था कि 4:30 बजे तक आ जाना, 1:30 बजे वहाँ से वापस निकल लेना, 1:30 बजे वापस निकल लेना, 4:30 तक आ जाना। तो अभी 4 ही बजे हैं और 1:30 बजे हम निकल गए थे, बट वो फिर भी एक घंटे पहले वो निकल के कहीं कुछ दिक्कत तो ना हो। और देखिए वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं अभी भी, वो फ़ोन पे बात करके स्टेशन पे अपडेट दे रहे हैं कि वो लोग मेरे को मिल गए और मैं उनके साथ आ रहा हूँ। सच में यार दीज पीपल आर वेरी नाइस। अब 102 गार्ड हो गए, वो दिख रहे होंगे आपको भाग के जाते हुए। तो ये भी निकल चुका था हमको देखने के लिए।